तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अशोक लेलैंड के स्टॉक के बारे में। अशोक लेलैंड के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है, ये हमको पहले यहाँ पर लगा था क्लियर अपट्रेंड में देखने को मिल रहा था। हमको यहाँ पे स्टॉक में हाइयर हाई हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, और जो स्टॉक है वो यहाँ पर लगातार अपने स्टेल लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा था। लेकिन जब से यहाँ पे स्टॉक ने अपने स्टेल लाइन को ब्रेक किया तो हमको यहाँ पे स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिली। लेकिन अभी पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से हमको अगेन यहाँ पे स्टॉक में तेजी भी देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पे स्टॉक में 0.11% की यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। तो आज की तेजी से हमको यहाँ पे स्टॉक में हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। ब्रेकआउट की बात करें जो ये स्टॉक है, ये पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर लगातार 174 के लेवल पर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन आज स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अभी अगर स्टॉक में और तेज़ी आती है तो यहाँ से भी और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 177 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन या हमको स्टॉक है 183, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 187, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया देन यहाँ से भी हमको स्टॉक है 190, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 200 और 210-220 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 174 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक है 170 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 165 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज ए नेक्स्ट टाइप का सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।